अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर आज ENG 101 का जो क्विज नंबर 3 आया है वो करवाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो कंफर्म होंगे, वो भी बता दूंगा। जिसमें डाउट होगा वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें, दिस इज द मैटर फॉर यू एंड मी टू डिसाइड। ये जो है मी यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा, ये आया गलत है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि दिस इज द मैटर, ये वो मैटर है, वो मसला है फॉर यू तुम्हारे लिए, एंड मी टू डिसाइड, और मैंने इसको डिसाइड किया हुआ है। इसको मैं आपको एक वेबसाइट से प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये ग्रामर का कोई क्विज है, मैंने अटेम्प्ट किया, तो बी आंसर जो है यहाँ पे बी आंसर इसका राइट ऑप्शन आ रहा है। या देखें आपको नजर आ रहा है कि टिक मार्क जो है वो शो कर रहा है, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। उसके आगे देखें, ये मी वाला जो जवाब होगा बी, ये है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, आई डैश अ बुक यस्टरडे, मैंने जो है वो बुक खरीदी थी यस्टरडे को। यहाँ पर बाय ही आएगा, विल बाय नहीं हो सकता क्योंकि विल बाय का मतलब कि आने वाला, बॉट भी नहीं हो सकता है और अब्रॉड भी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज यहाँ पे जो है वो बाय ही आ सकता है। तो आई बाय अ बुक यस्टरडे, मैंने ये किताब जो है वो कल खरीदी थी। उसके आगे देखें, तो वी एट द लंच डैट दे हैड टू ब्रॉड स्लोली। वो कह रहा है कि हमने जो है वो लंच ऐड किया था, खाया था, डैट दे हैड ब्रॉड स्लोली, जो कि वो ब्रॉड यानी लेकर आया था बड़े आराम से। तो ये कोमा सप्लाइज है, डेंगलिंग मॉडिफायर है या मिसप्लेस एडवर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज यहाँ पर करेक्ट जवाब हो गया मिसप्लेस एडवर्ब हो सकता है, कोमा सप्लाइज नहीं होगा। ये जिसने भी किया हुआ गलत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आए हुए मेरे पास, तो यहाँ पर ये गलत होगा। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, डेंगलिंग मॉडिफायर भी नहीं हो सकता। तो ये जो मिसप्लेस एडवर्ब है ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि जाहिर बात है हमें यहाँ टोटली किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। कोमा सप्लाइज का मतलब होता है जहाँ पे कोमा मिसप्लेस होता है। अब यहाँ पे देखें, वी एट द लंच डैट दे हैड ब्रॉड स्लोली। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो स्लोली है ये क्या, तो कोमा सप्लाइज यानी कि इसके आगे हम कोमा जो है वो नहीं मार्क कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मिसप्लेस जो एडवर्ब है इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, या नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। आपने बेस्ट ऑप्शन को देखना है। शी डिड नॉट हियर, वो नहीं सुन रही थी, या वो नहीं सुनना चाह रही थी, या सुन रही थी। हर डैश क्राइज हर चिल्ड्रन, ये जो आपको यहाँ पर जो कोमे के साथ एस नज़र आ रहा होता है ना, ये और एस, इस एस का मतलब है का के की। तो यहाँ पर है कि शी डिड नॉट हियर, वो नहीं सुन पा रही थी, या वो नहीं सुन रही थी। हर चिल्ड्रन क्राइज, ये बेसिकली हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है जिसके आखिर में हम ता है ते हैं के आते हैं, तो वो सुन नहीं रही थी। देखिए अब रही आगे ना, वो सुन नहीं रही थी, क्या कहाँ पे सुन नहीं रही थी। हर चिल्ड्रंस क्राइज, उसका बच्चा रो रहा था। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जो है ये इस तरह कोमा और उसके आगे एस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेन मकसद ये होता है कि का की और के। तो वो अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन रही थी। तो यहाँ पर की जो वर्ड आएगा वो ये चिल्ड्रन के साथ जो एस प्लाइज है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा पहला वाला होगा चिल्ड्रन वाला। ओके उसके आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वॉइस। वो कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो सिनोनिम नहीं है वॉइस का। इसका मेरे पास अवेलेबल प्रूफ होगा। तो यहाँ पे देखें, ऑनरेबल, इंटेलिजेंट, क्विकली, तो ये हमारे पास जो ये प्रूफ है, ठीक है। ये ऑनरेबल जो इंटेलिजेंट है ये जो है हमारे पास सिनोनिम है वॉइस का, लेकिन यहाँ पर जो जो सिनोनिम नहीं होगा उसको देखना है हमने। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट इसका सिनोनिम है। आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वॉइस। वॉइस का मतलब होता है अक्लमंद, तो इंटेलिजेंट का मतलब भी अक्लमंद होता है, स्मार्ट का मतलब भी होशियार होता है। ये जो आपको वर्ड नजर आया ना WEIR, इसका मतलब होता है अजीब। लेकिन ये जो SAWSY है ना, इसका सस्सी का मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। बाकी तीनों जो है वो अपनी सेंस रखते हैं, कोई ना कोई मीनिंग है उसका इंग्लिश और उर्दू डिक्शनरी में, लेकिन जो SAWSY सस्सी है इसका कोई ना मीनिंग है और ना ये कोई वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा अगर आपके पेपर में आता है तो आपने इस तरह लगाना है, ठीक है। मैंने खुद कोई सॉल्व नहीं किया हुआ, किसी से करवाया था, तो ये आपने देखना है। स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए थे, मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो राइट आंसर है मैं आपको सारे जो है वो साथ साथ वीडियो में क्लियर करता जा रहा हूँ। इसका ऑप्शन या इसका प्रूफ मेरे पास ये है कि यहाँ पे देखें, इंटेलिजेंट इसका नहीं होगा, इंटेलिजेंट जो है ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। उसके आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग या करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन थ्रू इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग। थ्रू इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग, तो ये क्या है जनाब, ये कोमा सप्लाइज है, क्योंकि यहाँ पे थ्रू का एक कोमा आना चाहिए था। इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग, इसके अलावा जो फ्यू सेंटेंस नहीं हो सकता। फ्यू सेंटेंस जो है वो सेंटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक। हम इसको देखते हैं कि फ्यू सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। ओके तो ये हमारे पास फ्यू सेंटेंसेस यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे देखें, देयर आर 3 वेज ऑफ करेक्टिंग अ फ्यू सेंटेंस।
डिवाइड द फ्यू सेंटेंस इंटू टू सेगमेंट्स, हम जो है इसको दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन फ्यू सेंटेंस होता क्या, मैं आपको एक बार वो बता दूँ। यहाँ पे देखिए, इट वॉज नॉट हिज आइडिया, ही शुड हैव नॉन बेटर देन फॉर इट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ही को हमने बड़ा करना था, इसके अलावा हमें यहाँ पे कोमा जो है वो लगाना था। तो ये हमारे पास फ्यू सेंटेंस की एग्जांपल है कि ऐसे सेंटेंस जो टोटली मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह, यहाँ देखें थ्रू ये, अब इट वॉज रेनी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये कॉमा सप्लाई हो सकता है, रन ऑन सेंटेंस और फ्रेगमेंट्स वगैरह नहीं हो सकते। हाँ, फ्यू सेंटेंस मुझे लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर आप लोगों में से कोई भी श्योर है तो प्लीज़ ये जो आंसर है या जो ये जो क्वेश्चन है इसको कन्फर्म कर दें, ड्यूरेशन भी वीडियो का मैंशन कर दें, और क्वेश्चन नंबर 6 है इसको आप देख लें। आप अगर आपके पेपर में आता है या तो आप कॉमा सप्लाईज लगा दें या आप जो है वो फ्यू सेंटेंस लगा दें, यही दोनों अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज करेक्ट होंगे। उसके आगे देखें, सनान एंड हर सिस्टर बोथ सॉ द फिल्म बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे दो सिस्टम है या दो हमारे पास जो है वो लोग हैं, एक सनान है और एक उसकी सिस्टर है। तो ये देखिए सिंगुलर टू प्लूरल नहीं हो सकता। हाँ, प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है कि दो या एक से ज़्यादा जो अफराद होते हैं या जो पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल से शी वो, अब यहाँ पर शी किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो अकेली लड़की होती है। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्लूरल टू सिंगुलर होगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है। अब आके देखें, ये एक्टिव से पैसिव नहीं हो सकता, पास्ट से प्रेजेंट भी नहीं हो सकता। पास्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में जो गुजर चुका है, अब यहाँ पे वोज आ गया, वोज का मतलब क्या है, ये तो पास्ट है। तो प्रेजेंट टू पास्ट होता था, हम इसके बारे में सोच सकते थे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज कॉल्ड प्लूरल टू सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट देखें, जैन लेफ्ट द क्लास, जैन ने जो है वो क्लास को जल्दी छोड़ दिया। क्यों जल्दी छोड़ा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो टोटली अपनी सेंस रखते हैं, टोटली जिनका मायने होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कॉमा सप्लाइज भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। रन ऑन सेंटेंसेस को हम एक दफ़ा देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेगमेंट्स होगा। मैंने इसको सर्च कर लिया हैंड आउट से, मैं आपको एक दफ़ा हैंड आउट दिखा देता हूँ कि देखें फ्रेगमेंट्स जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं, ये खाली एक जो है वो सेंटेंस होता है जिसकी कंप्लीट थॉट होती है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। ये लेस देन, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये लेस देन सेंटेंस होता है। तो यही काम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें टोटली सेंटेंस नहीं दिया गया, लेकिन हमें कंप्लीट जो है वो थॉट दे दी गई है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये फ्रेगमेंट का होगा। आपको मैं दोबारा बता दूँ, जैन लेफ्ट द क्लास अर्ली, जैन ने जल्दी क्लास को छोड़ दिया था, तो ये फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं, और ये जो है वो हमें एक एक ही सेंटेंस में कुछ हमें जो है वो सेंस बता देते हैं या कुछ हमें समझा देते हैं, लेकिन ये कंप्लीट जो है वो थॉट ऑफ सेंटेंस नहीं होती है। उसके आगे देखिए आपको क्या बता रहे हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो पीपल स्क्रीम्ड एंड रन, पीपल जो है वो चला रहे थे एंड और भाग रहे थे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस के अंदर, या मुख्तलिफ जो है वो सिम्टों में, जब लॉरी क्रैश कर गया रोड के साइड के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने नीदर लगाया हुआ, नीदर का मतलब था ना ही, बट लेकिन इफ अगर, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज़ कॉल्ड एंड, ठीक है। आपको दोबारा दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो को आप लोगों ने देखना है, जो आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ ये 110% करेक्ट हैं, बाकी जो इन्होंने लगाए हैं वो आप फिलहाल स्किप कर दें। तो जो पीपल है ये स्क्रीम जो है वो भाग रहे, चला रहे थे एंड रन और भाग रहे थे मुख्तलिफ डायरेक्शन में, तो एंड जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ओके जी, उसके आगे हम देखते हैं, तो ये हमारा लास्ट था, यहाँ तक कि आपका क्विज था जी, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। इजी क्विज था, मुश्किल नहीं था, लेकिन जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे थे शायद उनका इतना नॉलेज नहीं था। बहरहाल मैंने आपको फिर भी जो है वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व करके बता दिया, आपको दिखा भी दिया आपके हैंड आउट से, तो होपफुली आपको समझ भी जो है वो आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।